सोशल मीडिया से जुड़े हुए सभी योद्धाओं को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके बीच में तीन बातों को लेके मुखातिब हुआ हूं। मैं सभी सोशल मीडिया के योद्धाओं को एक बात का और धन्यवाद दूंगा कि मैंने आपके माध्यम से कंपेन चलाई थी कि दिल्ली का मुख्यमंत्री लापता है, भगोड़ा है, 3 महीने से अपने घर के अंदर छुपा हुआ है। कल उन्होंने अपना बयान जारी किया है और बताया है कि अब मैं अपने घर से निकल के दिल्ली की हर जगह पर जाऊंगा, निरीक्षण करूंगा। देर आए दुरुस्त आए, मैं तो यही कहूंगा केजरीवाल जी, अभी भी समय बचा है, दिल्ली के लोगों को बचाइए इस कोरोना की महामारी से। सबसे पहली बात, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बहुत प्रचार प्रसार किया था कि दिल्ली के अंदर 1000 मोहल्ला क्लिनिक वो बनाएंगे। आज के अंदर 302 मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली सरकार के अनुसार काम कर रहे हैं। जब कोरोना की महामारी अपना विकराल रूप ले चुकी है, आज भी करीब 1870 नए मामले आए हैं, 65 से ज्यादा मौतें हुई हैं, तो मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि इन मोहल्ला क्लिनिकों में कोरोना टेस्टिंग की सुविधाएं होनी चाहिए। इन्हीं मोहल्ला क्लिनिकों में जिनमें जगह है, क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाएं ताकि जो बीमार व्यक्ति है उसको दूर के हॉस्पिटलों के चक्कर ना काटने पड़े, अपने घर के आसपास के मोहल्ला क्लिनिकों में ही उनको इलाज मिले। दूसरा, ICMR ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि गांव की तुलना में शहरों में कोरोना फैलने के 1.09 टाइम्स ज्यादा चांस है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि गांव की तुलना में जो शहरों के स्लम हैं उसके अंदर 1.89 टाइम्स ज्यादा कोरोना फैलने के चांस हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं दिल्ली के अंदर स्लम्स का क्या हाल है। दिल्ली के अंदर करीब 2 करोड़ की जनता रहती है, जिसके अंदर 20 लाख के आसपास लोग दिल्ली की 750 झुकी झोपड़ी स्लम्स कॉलोनियों में रहते हैं। एक स्लम कॉलोनी के अंदर करीब 8 से 10 हजार लोग रहते हैं और उसके अंदर 10 से 12 पब्लिक टॉयलेट्स हैं। ICMR ये भी कहता है कि टॉयलेट्स का फ्लशिंग ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वहां हम फ्लश की बात कर रहे हैं, कई टॉयलेट्स में तो टंकी नहीं है, ऊपर साफ सफाई नहीं है, सैनिटाइजेशन तो है ही नहीं, लंबी लंबी लोगों की लाइनें लगी हुई हैं, पर्याप्त मात्रा में टॉयलेट्स नहीं है। मैं सभी सोशल मीडिया के योद्धाओं के माध्यम से मांग करता हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री से कि वो इनका प्रॉपर सैनिटाइजेशन कराएं, सफाई कर्मियों को और ज्यादा से ज्यादा यहां पे रखा जाए, साथ ही इनकी साफ सफाई का ध्यान रखा जाए। चौथा, पोर्टेबल टॉयलेट्स और यहां पर बनाए जाए। आखिरी बात दोस्तों, कौन सच्चा है कौन झूठा है, दिल्ली के अंदर दिल्ली MCD कह रही है कि दिल्ली के अंदर जो मौत हुई है वो 2098 में हुई है, साउथ MCD में 1080, ईस्ट MCD में 42, नॉर्थ MCD में 976, लेकिन कल तक के आंकड़ों के हिसाब से दिल्ली सरकार कह रही है कुल 984 मौतें हुई हैं। अब दिल्ली MCD सच बोल रही है या दिल्ली का मुख्यमंत्री सच बोल रहा है,
भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी, आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार, कौन झूठा है कौन सच्चा है? जहां तक मेरा मानना है, मैंने पहले भी दावा किया है कि 5000 से ज्यादा मौतें दिल्ली में हो चुकी हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री अपनी नाकामी छुपाने के लिए गलत आंकड़े दे रहा। दोस्तों आप फैसला कीजिए, दिल्ली जनता फैसला करे कि कौन झूठा है कौन सच्चा है। कल ही आईसीएमआर ने अपनी रिपोर्ट जारी की है और बताया है कि इंडिया में अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू नहीं हुआ है। इस मौके पर मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि दो दिन पहले ही दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा था कि दिल्ली के अंदर कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो चुका है। क्यों बार बार झूठ बोलते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री? दोस्तों आपने मुझे सुना, आपने मुझे लाइक किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।